गुड मॉर्निंग बच्चे बच्चे आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 13.2 और चैप्टर है हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो क्वेश्चन बच्चे क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको भी। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्फेरिकल ग्लास जो है वेसल जो है वो किस शेप में है, स्फेरिकल शेप में है, और उसकी नेक जो है जैसे आपको जो नीचे दिख रहा है ये क्या है, स्फेरिकल शेप में है, और उसके बाद जो उसकी नेक है वो किस शेप में है बच्चे, सिलेंड्रिकल शेप में, और इसकी हाइट भी आपको दी हुई है कितनी है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 2 सेंटीमीटर क्या है इसका, इस सिलेंड्रिकल नेक का जो डायामीटर है ये ऊपर वाला, ये ना ऊपर वाला पोर्शन, इसका डायामीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। जो डायामीटर नीचे वाला पोर्शन जो कि स्फेरिकल शेप में है उसका डायमीटर कितना है, 4.25 है ना। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स। अब क्या है कि इस वेसल में कितना पानी आता है या कितना पानी ये है इसकी कैपेसिटी है होल्ड करने की, उसको मेजर करने के लिए, उसको जानने के लिए अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चा क्या करता है ये देखने के लिए कि इसमें कितना पानी आ सकता है, इसकी क्या कैपेसिटी है, तो उसका वॉल्यूम निकालता है। वॉल्यूम भी हमें गिवन है, कितना है वॉल्यूम, 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने करना निकालना क्या है, चेक वेदर शी इज करेक्ट। हमने चेक करना है कि वॉल्यूम जो उसने निकाला 345 क्या उस बच्चे का ठीक है। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, हमें ये ऊपर वाली इनसाइड मेजरमेंट लेनी है, और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है बच्चे, 3.14। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब जल्दी से हम सोल्यूशन करते हैं, पहले पहले हम नोट करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या है गिवन, वो हम नोट कर लेते हैं पहले। डायामीटर ऑफ नेक नेक जो है वो क्या है, सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसको हम सिलेंड्रिकल पोर्शन भी लिख सकते हैं। जो हमारे पास स्फेरिकल वेसल है उसका जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है नेक का, कितना डायमीटर है बच्चे, 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है बच्चे नेक का, रेडियस ऑफ नेक जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं कितना है, 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, इसको हम किस से डिनोट करेंगे बच्चे, एच से, और किसके बराबर आएगी, 8 सेंटीमीटर है ना ये वाली। उसके बाद और क्या दिया हमें, स्फेरिकल पोर्शन का भी डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पोर्शन कितना है बच्चे, 8.5 सेंटीमीटर। रेडियस 4.25 है, इसको डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। अब रेडियस कितना है इसका, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पोर्शन इक्वल्स टू डिवाइड करेंगे इसको 2 से, डायमीटर का हाफ हमें पता है किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के। अब वॉल्यूम जो है वाटर इन वेसल किसके बराबर होगा, वॉल्यूम स्फेयर का और प्लस किसका करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि वो उसके बराबर आता है 345 के या नहीं। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ, दो ही शेप्स हैं हमारे पास यहाँ पर, स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का फार्मूला हमें पता है, वो लगाएंगे और वैल्यू बढ़ देंगे हम, 4/3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्क्वायर
एच, ठीक है। वैल्यू करो इसमें 4/3, 3 × 4, 4.25, 25 आर कितना है, क्यू है ना, 25 प्लस, अब पाई की वैल्यू क्या है, 3/4 आर, स्मॉल आर हमारे पास कितना है, 1, रेडियस अपना कितना है, 1 है ना, 1 × 1 स्क्वायर है, उसके बाद एच कितना हमारा 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो इसको बच्चे कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 32139 प्लस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अगर प्लस करेंगे हम तो क्या आएगा, 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आ गया, जो हमने निकालना था, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द बस, ठीक है। ये हमारा कितना निकल गया बच्चे, 346। अब हमने चेक क्या करना है, गिवन कितना है, 345। उस बच्चे ने कितना निकाला था, 345। अब हमने भी कैलकुलेट किया, हमारा आया 346.51। तो अब ये देखने से आपको पता चल रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन वेसल कितना है, 346.51, जबकि बच्चे का कितना आया है, 345। इसका मतलब उन्होंने पूछा था कि क्या वो बच्चा करेक्ट है या नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, शी इज रॉन्ग, क्योंकि उसका वॉल्यूम जो था वो गलत था, है ना, हेंस शी इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये था बच्चे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, कल हम स्टार्ट करेंगे 13.3। थैंक यू।